वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि त्वाम् चिंतयन् त्वन्मयताम् प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाः बबद्ध शूरः। इस श्लोक में भगवान हयग्रीव से वेदांत देशिक जी क्रमशः प्रार्थना करते आ रहे थे, उसमें इस श्लोक में ऐसी प्रार्थना करते हैं, सदा के लिए तुम्हारे चिंतन में रहूं और वैसे मैं आप ही बन जाऊं, आप ही का नाम ग्रहण करते हुए और शब्दों के द्वारा आपका नाम ग्रहण करते हुए समाज में मैं एधमान हो जाऊं, अर्थात सबसे विलक्षण और सबसे ऊंचा स्थान पाऊं और स्वच्छंद वादाहव बद्ध शूरहा, स्वतंत्रता से प्रतिवादियों से वाद करके मैं जीत जाऊं, उनके बीच में वादी केसरी अर्थात कवितार्किक सिंह इस प्रकार का नाम जो है उसे सार्थक बनाऊं, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में करते हैं। समाज में उन्नत स्थान प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का पारायण करना बहुत ही उचित है और विद्या के माध्यम से हयग्रीव भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि मुझे इस प्रकार की विद्या प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, तो मैं वाद विवाद भगवत विरुद्ध भगवत सिद्धांत विरुद्ध अर्थात अपना रामानुज सिद्धांत के विरुद्ध जो कोई भी प्रश्न करते हैं उन सबको मैं वाद में जीतकर शिष्टाद्वैत सिद्धांत को अर्थात भगवान श्रीमन नारायण ही परतत्व इस सिद्धांत को मैं स्थापित करूं और समाज में इसी के जरिए मैं अत्युन्नत स्थान प्राप्त करूं, ऐसा मुझे बनावो, ऐसा हयग्रीव भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपनी तरफ से क्या कर्तव्य है, भगवान की तरफ से क्या कर्तव्य है, इन दोनों को भी साथों साथ प्रतिपादन करते हैं। अपनी तरफ से भगवत चिंतन करना है, भगवान का नाम ग्रहण करना है, स्वयं तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित भगवत भाव को प्राप्त कर देना, भगवत भाव को आसादित कर देना और त्वन्मयताम प्रपन्नः त्वन्मय हो जाऊं, आप ही मैं, ऐसी भावना जहां तक आ जाए वैसे ही मैं आपका ध्यान चिंतन करते 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 वैसे ही मैं हयग्रीव भगवान जैसे ही बन जाऊं और शब्द रूपी जो तेजस है अर्थात बाकी बाह्य तेजस से तो भगवान को स्मरण करना असंभव है, शब्द रूपी जो तेजस है उसी के जरिए मैं भगवान का ध्यान करूं, उसे शब्दमयेन धामना त्वाम उद्गृणन 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 शब्द से उनको ग्रहण करना, अपने जीभ से ग्रहण करना अर्थात नामों का उच्चारण करना विवक्षित है और क्योंकि वो भी भगवान प्रणव को और वेद का उच्चारण करते रहते हैं, उनका जो हयग्रीव भगवान का मंत्र में प्रारंभ में ही ये विषय सूचित किया गया है, मंत्र को अभी मैं बोल नहीं सकता हूं। और उद्गृणन शब्द का मतलब वहां दूसरे अर्थ में हयग्रीव मंत्र में भी प्रयुक्त है, इसलिए त्वामुद्गृणन शब्दमयेन धाम्ना हे स्वामिन ऐसा संबोधन करके समाजेषु समाजों में विभिन्न समाजों में भी, इसलिए बहुवचन है इधर, अलग अलग प्रकार के समाज हैं हर समाज में और हयग्रीव भगवान की स्वीकर्तव्यता हो और स्वीकार्यता हो और हयग्रीव भगवान सत्य हैं और हयग्रीव भगवान ज्ञान स्वरूपी हैं, आनंद स्वरूपी हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रतिपादित ब्रह्म यही स्वयं हैं, यही वेद का अपहरण करके जब मधुकैटभ चले गए थे समुद्र के अंदर तब यही देवता हमें उद्धार करके वेद को ब्रह्मा जी को सौंप कर फिर से सृष्टि काम शुरू करवाई थी इत्यादि भावनाओं के साथ उनका नाम ग्रहण करते हुए हम रहना हमारा कर्तव्य है, भगवान का कर्तव्य है समाज में इनको बहुत बड़ा बनाऊं
वाद में शूर है, ऐसी वाद विवाद में शूर है और मेरा मेरा निर्णय करने वाला है, मैं ही सत्य हूँ ऐसा निर्णय करने के लिए इसके पास अपेक्षित तर्क है, अपेक्षित युक्ति है, अपेक्षित प्रमाण है, ऐसा इस व्यक्ति को व्यवस्थित बना दूं, ऐसी भगवान का संकल्प हो जाए। अर्थात दोनों की तरफ से कर्तव्य का विनिमय हुआ है इस श्लोक में। त्वाम चिंतयन् त्वन्मयताम् प्रपन्नस्त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः। नानाविधानाम् अगतिः कलानां न च अपि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तव अनाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रम् अहं दयायाः। बहुत सुंदर श्लोक है। इतना मांग करते हो, चार श्लोक से बहुत बहुत मांग कर लिया, परंतु तुम्हारे पास क्या योग्यता है, ऐसा भगवान पूछे तो उसका उत्तर देते हुए अपना आकिंचन्य और अनन्य गतित्व इन दोनों चीजों को अभिव्यक्त करते हुए ये श्लोक रचित किया गया है। आकिंचन्य का मतलब है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी योग्यता ऐसा मैं कुछ भी गिन नहीं सकूं, क्योंकि भगवान के पास अपनी योग्यता के बारे में प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। आजकल एप्लीकेशन में डालना पड़ता है कि हम इतना किए हैं, इतना कोर्स किए हैं, सब करना पड़ता है। भगवान के सम्मुख में भगवान अगर पूछे तुम्हारी योग्यता क्या है, तो हम अकिंचन का ही अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ऐसा ही बात करना चाहिए। भगवान से कैसे व्यवहार करना है, इस दुनिया में रहने वालों से कैसे व्यवहार करना है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और एक ऑफिसर पूछे तो हम बताएं यार मैं तो अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तब तो चले जाओ भाई, योग्यता नहीं है तो क्यों इधर आते हो, ऐसा बोलेंगे। परंतु भगवान के पास ऐसा बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये इसका आकिंचन्य का अभिव्यक्ति किस प्रकार कितना सुंदर करता है। मैं ही तो ज्ञान प्रदात्री देवता हूँ, मैं अगर दिया होता तो उसमें रहा होता, अगर मैं नहीं दिया होता तो उसमें नहीं रहा होता, तो और मैं कितना भी दिया होता तो भी ये अपना अनन्य गतित्व और आकिंचन्य को प्रकटन करना जीवों का स्वभाव में रहना चाहिए। ये भगवान से भी अपेक्षित है, क्योंकि उनके बढ़कर तो कोई ज्ञानवान हो ही नहीं सकता है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वविद है। जैसे ज्ञानमयम तपः, यह सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ज्ञानमयम तपः, ऐसा वेदांत जिसको केवल एक ही भगवान को ज्ञानवान कहता है, बाकी सब तो अचेतन प्राय हैं, चेतन भी अचेतन के समान ही थोड़ा भगवत प्रदत्त ज्ञान से चमकने वाला व्यक्ति है, जैसे सूर्य के किरणों से चंद्र भी थोड़ा सा तापमान थोड़ा हो जाता है, रात के समय में चमकता है, वैसे हम अपना ज्ञान तो बहुत सीमित है, इसलिए उसे ना के बराबर बोलना ही उचित है, हाई नहीं बोलना ही उचित है, अर्थात ना के बराबर बोलते हैं ना हम, वैसा समझकर इस श्लोक में भले यद्यपि बड़ा ज्ञान उनके पास अंतर्निहित है, आचार्य कृपा से प्रदत्त है, परंतु आकिंचन्य का अभिव्यक्ति करना चेतनों का स्वभाव है और स्वभाव होना अपेक्षित स्वभाव है, इसलिए करते हैं श्लोक में। नाना विधानाम कलानाम अगति ही, दुनिया में बहुत सारी कलाओं को आपने सर्जित कर रखा है भगवान, परंतु किसी में भी मेरी गति नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नाना विधानाम कलानाम अगति ही, सब कुछ जानकर बोलते हैं और वे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐसा लक्ष्मी जी से ही प्रदत्त उनका बिरुद है, उनकी नामावली में भी आती है, ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी वेदांत देशिक जी कहते हैं विनम्रता से, नाना विधानां कलानां अगतिः न चापि तीर्थेषु कृतावतारः। भगवान पूछते हैं कहीं कुछ तीर्थ यात्रा तो किया है क्या, कभी तीर्थाटन करके, चंद्र पुष्करणी, सूर्य पुष्करणी, गंगा, कावेरी, सेतु स्नान इत्यादि कुछ किया होगा, नर्मदा तपती, कहीं तापी नदी है तो कहीं स्नान किया है क्या, सालग्राम गया है क्या, कंटकी नदी में स्नान किया है क्या,
ऐसा पूछेंगे तो भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। न चापि तीर्थेषु कृता अवता रहा, तीर्थों में मैं कहीं अवगाहन करके स्नान नहीं किया हूँ और वहां अवतार भी नहीं लिया। अवतार यानी क्या है? उतरना। तीर्थों में कभी उतरा नहीं हूँ स्नान करने के लिए। न चापि तीर्थेषु कृता अवता रहा। ध्रुवम तव अनाथ परिग्रह, एक ही एक योग्यता है मेरे पास, मैं एक बड़ा पात्र हूँ, योग्य व्यक्ति हूँ। किसके लिए? आपकी दया के लिए एक ही बड़ा पात्र मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय और कोई पात्र नहीं है। नवम नवम पात्रम, कितना भी आप भरपूर कर देंगे तो भी मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इतना बड़ा एक तड़पन रखने वाला, प्रेम का एक प्यासा व्यक्ति हूँ, आपकी प्रेम की प्यासा व्यक्ति हूँ, मेरा प्यास कभी बुझता नहीं है। ध्रुवम, निश्चय रूप से, निश्चय तौर पर, तब अनाथ परिग्रहायाः, मैं अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई नाथ नहीं है, मेरे लिए कोई स्वामी नहीं है, आप अकेले स्वामी हैं। ऐसा आप अनाथ परिग्रह करेंगे तो अनाथ परिग्रहायाः दयायाः, अनाथम परिगृहणाति इति या दया वर्तते भवतां सकाशे, यानी आपके पास ऐसी दया है कि वो अनाथ परिग्रह है, अनाथों का परिग्रह कर लेता है, अनाथों का स्वीकार कर लेता है। ऐसी जो आपकी पास दया है आपके पास, उसके लिए मैं नवम नवम पात्रम, नया नया पात्र हूँ, योग्य व्यक्ति हूँ, मेरे ही ऊपर वो, मेरी ही पात्रता है उसे पाने के लिए। और बाकी लोगों की अपेक्षा से बहुत सही पात्र मैं ही हूँ। पहले रामानुज दया पात्र तो बना ही हूँ, आप भगवत दया पात्र के लिए मैं तत्पर हूँ, वो तड़पन रखता हूँ कि आपकी दया की पात्रता के लिए नवम नवम, वो भी नया नया पात्र हूँ मैं ही, ऐसा बता रहे हैं इस श्लोक में। नाना विधानाम अगति कलानाम न चापि तीर्थेषु कृता अवतारः, ध्रुवम तवानाथ परिग्रहायाः नवम नवम पात्रमहं दयायाः, अनाथ परिग्रहायाः दयायाः, ऐसा अन्वय कर लेना, क्योंकि दोनों सृष्टि भक्ति है। दयायाः पात्रम, कीदृश्याः दयायाः, किस प्रकार की दया है, तो उसके लिए उत्तर है अनाथ परिग्रहायाः दयायाः, अनाथों का परिग्रह करने में समर्थ जो आपकी दया है उसके लिए मैं एक ही योग्य व्यक्ति हूँ पाने के लिए। अकंपनीयान्यपनीति भेदैरलंकृशीलं हृदयं मदीयं, शंका कलंका पगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयंचि तव प्रसादात्। अकंपनीयानि अपनीति भेदैः अलंकृशीलं हृदयं मदीयं, शंका कलंका अपगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयंचि तव प्रसादात्, ऐसा इस श्लोक का पदच्छेद है। अपनीति भेदैः अकंपनीयानि, यानी मुझे किस प्रकार का ज्ञान चाहिए, किस प्रकार का मुझे हृदय चाहिए। मदीयम हृदयम अलंकृशीलन, मेरे हृदय में आप आकर अलंकृत हो जाओ, स्वलंकृत हो जाओ। मेरा हृदय आपके लिए एक बहुत सुंदर स्थान है, अब इस कुर्सी को अलंकृत कर दो, ऐसा जब हम बोलते हैं उसी प्रकार मेरे हृदय को अलंकृत कर दो। मेरा हृदय आपकी आपके आने की वजह से बहुत पवित्र हो जाएगा और वो अलंकृत हो जाएगा, एकदम सही स्थान, बिफिटिंग प्लेस है आपके 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 लिए, वो मेरा हृदय है। हृदय गुहा में परमात्मा ऑलरेडी विराजमान है, उनको वैसा भक्त भावना करें कि वो वहां विराजमान है। इसलिए यहाँ प्रार्थना इस प्रकार का है कि अपनीति भेदैः अकंपनीयानि, अपनीति ही का मतलब है विरुद्ध तर्क, कोई नीति के विरुद्ध निर्णय करने में जो कुछ लोग वादी लोग समर्थ हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो। अपनीति भेदैः, अनेक प्रकार के कुयुक्तियों से, अकंपनीयानि, कभी भी उसको हिला नहीं सकते हैं और हिला नहीं सकते हैं, ऐसा ही मतलब। अकंपनीयानि, कंपनम यानी
नी अपनीति भेद ही कंपनम का मतलब है, बाकी वादी विवादियों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम असमर्थ रहे तो उनसे हमारा सिद्धांत कंपित हो जाएगा। परंतु अपनीति भेद ही दुष्तर्कों से कभी भी हमें हिला नहीं सकते हैं कोई, सतर्कों से हम स्थापित कर देंगे। विरुद्ध तर्कों के द्वारा हमें प्रलोभन करना अथवा अपलापन करना, अपलाप करना यानी आप आपका मत गलत है ऐसा अपलाप करना, ये सब संभव नहीं है। शंका कलंक अपगम उज्ज्वलानी, और शंका कलंक अपगम यानी शंका हो जाए किसी हमारे संप्रदाय में, हमें ही कुछ थोड़ा शंकित सशंकित रहे कि ये सही है या नहीं है। और शंका ही कलंक है, शंका ही एक दोष है। शंका कलंक अपगम अगर वो निकल जाए तो कैसा रहेगा, उज्जवल तत्व प्रकाशित हो जाएगा हमारे हृदय में, हयग्रीव भगवान सच में है या नहीं है यार ऐसा पूछें। सतर्कों से सत्प्रमाणों से भगवान का अकंपन यानी हिला नहीं सकते हैं ऐसा हमारे मन में प्रतिष्ठित तो हो जाए तो वही चाहिए मुझे, ऐसा ऐसी प्रार्थना करते हैं। शंका कलंक अपगमः, शंका रूपी जो कलंक है दोष है उसका अपगम से दूर होने की वजह से जो उज्ज्वल तत्व प्रकाशित हो जाएगा ऐसा है ग्रीव तत्व, नॉट ओनली है ग्रीव तत्व अभी सर्व वस्तु विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सम्यंची, सम्यंची का मतलब है ऐसा अद्भुत अत्यद्भुत बहुत ही ऊंचा। सम्यंची सम्यक, सम्यंची सम्यक का मतलब अच्छा जो यानी बहुत ही सुंदर। तत्वानि तत्वों को तव प्रसादात आपकी कृपा से मदीयम हृदय अलंकृशीरन, मेरे हृदय में आकर वो तत्व सब अलंकृत हो जाए का मतलब है सुंदर जगह है, कितना शंका कलंक भी नहीं है। हाँ ये हृदय में तो भगवान की स्थापना करने के लिए सही जगह है, यही व्यक्ति भगवान की स्थापना कर भी सकता है तो इसके हृदय हम सुस्थिर हो सकते हैं। ऐसा एक दिन भी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां हयग्रीव भगवान को नकारने के लिए ये हृदय कभी बोल देगा नहीं हयग्रीव भगवान असत्य हैं ऐसा नहीं बोल देगा, ऐसा हृदय है, ऐसा हृदय में आप विराजमान हो जाओ ऐसा प्रार्थना। और तत्व सब अलंकृत हो जाए का मतलब तत्व में अंतर्गत भगवत तत्व भी तो है, चित अचित ईश्वर तत्व सब प्रतिष्ठित हो जाए ऐसी प्रार्थना श्लोक में किया है। शेष विपरिषदेशु वो हो गया है सॉरी। अकंपनीयान्यपनीति भेदैरलंकृशीरन् हृदयम् मदीयम् शंका कलंकापगमोज्ज्वलानि तत्वानि सम्यंचि तव प्रसादात्। सम्यंचि तत्वानि जो अद्भुत और सही तत्वों को मेरे हृदय में अलंकृत कर दें यानी उनके द्वारा अलंकृत कर दें ऐसा मतलब। व्याख्या मुद्राम कर सरसिजयि पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णहम् अम्लान श्रीरमृत विशदैरम शुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयाद् अनघ महिमा मनसे वागधीशः। यही श्लोक ध्यान श्लोक माना जाता है भगवत ध्यान करने के लिए, ये एकदम अत्यद्भुत सुंदर श्लोक है। जैसे इस श्लोक को बोलें तो हमारे हृदय में हयग्रीव भगवान सुप्रतिष्ठित हो जाएं ऐसा उनका चित्र हमारे दर्शन के नजदीक आ जाए तो ऐसा एक श्लोक है ये व्याख्या मुद्राम करसरसिजय ही व्याख्या मुद्राम शंख चक्रे पुस्तकम। सब क्या क्या धारण करते हैं भगवान, कैसे विराजमान है। व्याख्यान मुद्रा यानी ऑलरेडी आया था व्याख्यान मुद्रा मधुरम करंते ऐसा, एक हाथ में व्याख्या मुद्रा है अर्थात व्याख्यान करने के लिए जो मुद्रा हाथ में बड़ा जो अंगूठा है उसके बाजू की अंगूठा है इन दोनों को जॉइन करके और बाकी तीनों उंगलियों को खोल के रखते हैं उसी को व्याख्या मुद्रा बोलते हैं। व्याख्या मुद्रा कर सरसिजय ही अपने कर कमलों के द्वारा व्याख्या मुद्रा को और एक हाथ में पुस्तकों को पुस्तक को और दो हाथों में शंख और चक्र दोनों अर्थात चार चार हाथ में चार चीज हैं वो, एक में व्याख्या मुद्रा है एक में पुस्तक है और एक में शंख है और एक में चक्र है। करसरसिजय ही
हाथ रूपी जो कमलों में कमलों के द्वारा इन चारों चीजों को धारण करने वाले शंख चक्र विव्रत ऐसा वहां तक अन्वय कर लेना। और भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरी के निषण भिन्न स्फटिक रुचिरे जो विकसित भिन्न शब्द का मतलब है प्रभिन्न प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर पिबति बोलते प्रभिन्न यानी और जो विकसित जो कमल है भिन्न भिन्न स्फटिक और वो भी कैसे है स्फटिक जैसा जो रुचिर है भिन्न स्फटिक रुचिर और वो भी विकसित स्फटिक जैसा जो सुंदर स्वरूप है ऐसा रहने वाला जो पुंडरीक है उसमें विराजमान है कमल में अर्थात सफेद कमल में विराजमान है। अम्लान श्री ही का मतलब बहुत फ्रेश है। म्लान यानी क्या है कि मुरझाया हुआ फूल को म्लान शब्द से कहते हैं। अम्लान श्री ही का मतलब है अम्लान श्री ही का मतलब कभी भी मुरझाया ना हो ऐसा फ्रेश। अम्लान श्री ही अमृत विशद ही अंशुभि अमृत के समान स्पष्ट जो किरण है अमृत के समान स्पष्ट किरण किरणों के द्वारा यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं। और अमृत विशद ही शब्द को कहाँ तक समझना है ये हम उसका कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जो भी अंदाज करें वो भी कम पड़ेगा। अमृत विशद ही अंशुभि किरणों के द्वारा माम प्लावयन मुझे उसमें डुबाते हुए और आप मेरे साक्षात्कार में आ जाओ। आविर्भूयात अनेक महिमा मानसे वागदीश आप वागदीश जो हैं वाग के अधीश हैं मम मानसे मेरे मन में आविर्भूयात आविर्भाव कर दो और अनेक महिमा का मतलब एक भी दोष ना हो और महिमा मंडित हो जाए अर्थात कल्याण गुणाकर भी हैं और निर्दुष्ट हैं अर्थात उभयलिंग शब्द से कहा जाता है सूत्रकार भी कहते हैं उभयलिंग शब्द से दोष नहीं रहना एक है और कल्याण गुण भूयिष्ठ होना दूसरा है। इन दोनों शब्दों दोनों को इधर अनगम हिमा शब्द से कहा है। ऐसे भगवान आप मेरे हृदय में सदा के लिए उपस्थित हो जाएं ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। यही ध्यान श्लोक है। अभी अंतिम श्लोक है। वागर्थ सिद्धि हेतो पठतः यग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किक केसरिणा वेंकटनाथेन विरचिता मेताम। अब भक्त लोग वाग की सिद्धि के लिए और उसका अर्थ की सिद्धि के लिए दोनों काम के लिए कुछ लोगों को श्लोक आता है अर्थ नहीं मालूम होता है कुछ लोगों को अर्थ मालूम होता है शब्द नहीं आता है श्लोक नहीं आता है। ऐसी स्थिति ना हो वाग भी हो अर्थ भी हो दोनों ज्ञान के लिए पाने के लिए हयग्रीव संस्तुति हयग्रीव भगवान की ये हयग्रीव स्तुति को भक्त्या पठत है भक्ति से पाठ करें। और कविता कवितार्किक केसरिणा कवितार्किक सिंह केसरी यानी शेर है कवि शेर कवियों में शेर और तर्कशास्त्र में शेर रूपी जो वेंकटेश वेंकटनाथ है उनसे विरचित उनसे रचित किया गया इस स्तोत्र को ये ताम स्तुतिम इस स्तुति को भक्त्या पठत भक्ति सभक्ति पठे पाठ करें ऐसी फलश्रुति के साथ इसे और इस हयग्रीव स्तोत्र को समाप्त करते हैं। और वागी वागर्थ सिद्धि हेतो पठत हयग्रीव संस्तुति भक्त्या कवितार्किक केसरिणा वेंकटनाथेन विरचिता मेताम कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।